हाँ तो भाई लोग आ गया है जुलाई अपडेट का स्नीक पीक नंबर 3, यानी कि वो स्नीक पीक या फिर वो अपडेट आ रहा है जिसको लेके काफी सारे लोग वेट कर रहे थे कि भाई ये वाला अपडेट कब आएगा, मतलब वो स्पेशल यूनिफॉर्म वाला अपडेट। तो ये है गाइज स्पेशल यूनिफॉर्म वाला अपडेट, और इसमें कौन कौन से यूनिफॉर्म आ रहे हैं, कौन कौन से कैरेक्टर के यूनिफॉर्म आ रहे हैं वो अभी हम देखने वाले हैं, और कब आने वाले हैं ये भी देखने वाले हैं। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो एजेंस टू न्यू सुपर हीरो हैज प्रिपेयर है बी प्रिपेयर्ड अ कूल वेकेशन टू अवॉइड द समर हीट, मतलब गर्मियों के छुट्टी में ये दोनों लोग गए हैं बीच पे मजे करने। अब कौन कौन से हैं, ये लड़की कौन है और इसके साथ में कौन आ रहा है, देखो ये लड़की का यूनिफॉर्म प्रीमियम होने वाला है, मतलब पैसे वाला यूनिफॉर्म होने वाला है। बाकी जो दूसरा कैरेक्टर होगा उसका यूनिफॉर्म होगा क्रिस्टल में, कितना क्रिस्टल में, 1750 क्रिस्टल में। तो आओ चलो देख लेते हैं क्या है, कौन सा कैरेक्टर है और किसका यूनिफॉर्म आ रहा है, फिर उसके बाद में बात करते हैं, ठीक है? ओके लेट्स गो, 3 2 1 एंड बूम। ये क्यों दे दिया भाई, ये मतलब इसका और साइलो का क्या रिलेशन है भाई, ये पता है ना कौन है, नहीं बताया तो अभी बताते हैं। और इसके बारे में तो पता ही होगा, अपनी तितली, अपनी तितली है भाई, समझ में आ गया, नहीं समझ में आया, बताते हैं बताते हैं। कूल, तो ये है स्नीक पिक, और अगर आपको नहीं पता है कि ये कैरेक्टर कौन सा है तो मैं आपको बता दूं, अबे रुक जा चचा, रुक क्यों रहा है ये? ओके तो अगर इसके बारे में आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, ये है योंडू या फिर आप समझ सकते हो स्टारलॉर्ड का बाप जो होता है गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी मूवी में, इसको ये लोग टीयर 3 देंगे क्योंकि इसके पास में अभी कुछ भी नहीं है, ना अवेकन स्किल है ना टीयर 3 स्किल है, ठीक है? तो इसको टीयर 3 देने वाले हैं। और अब इसका रिलेशन साइलॉग के साथ में क्या है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और ये कितना ज्यादा हेल्प करेगा और क्या करेगा ये, अभी मैं आपको गेम में लेके चल के दिखाता हूँ इसके पास में क्या क्या एबिलिटी है और क्या कुछ कर सकते हैं ये लोग। बाकी देखो यहाँ पे जो ये लड़की दिख रही है ना, ये साइलॉग है। साइलोक क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे इसके कमर पे तितली है और इसका स्वॉर्ड जो है ये साइलोक वाला, अभी मैं गेम में दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। और वैसे भी लीक हो चुका है पहले भी कि साइलोक टीयर 4 आ रही है, तो ये जो लड़की है ये साइलोक है, और ये वाला यूनिफॉर्म आपको मिलेगा पैसे से, 2000 रुपये से मिलने वाला है। यस ये क्रिस्टल वाला यूनिफॉर्म नहीं होने वाला है क्योंकि अच्छा बनाया है, मतलब एकदम रियलिस्टिक लग रहा है यार ये तो, पूरा एकदम से देख रहे हो ना, पूरा एकदम से ठीक है, मतलब बढ़िया लग रहा है, अच्छा बनाया है। अभी काम कितना करेगी ये देखना पड़ेगा, और हाँ ये काम की कैरेक्टर है, काम की चीज़ है क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट है, इसकी ज़रूरत है, ऐसे लड़कियों की ज़रूरत होती है अक्सर। तो ये यहाँ पे इसका यूनिफॉर्म देख सकते हो, बाकी चलो मैं आपको गेम में दिखाता हूँ, इन दोनों के बारे में बताता हूँ गेम में, ठीक है? और हाँ ये लास्ट स्नीक पिक है, यहाँ पे आप देख सकते हो वी विल अनाउंस मोर इन्फॉर्मेशन थ्रू पेज डिटेल लेटर। तो ये लास्ट स्नीक पिक है, इसके बाद में कोई भी स्नीक पिक नहीं आएगा, डायरेक्ट अपडेट आएगा, ठीक है? तो ये रहा वांडू, सबसे पहले तो आप वांडू के बारे में जान लो, ये है वांडू, और इसके पास में अभी टीयर 3 स्किल या फिर अवेकिन स्किल नहीं है, और इसको टीयर 3 स्किल दिया जा रहा है, 1750 वाले क्रिस्टल वाले यूनिफॉर्म के साथ में आ रहा है ये, और इसका टीयर 2 पैसिव इसको एकदम से चेंज करना पड़ेगा, किसी काम का नहीं है, ठीक है? और रही बात 4 स्टार पैसिव की, तो ये भी एकदम से चेंज करना पड़ेगा, ये भी किसी काम का नहीं है, और लीडरशिप ये भी एकदम से चेंज करना पड़ेगा, मतलब एकदम से रिवर्क करना पड़ेगा इसको, तब जाके ये किसी काम का होगा, और किसी काम से मेरा मतलब है ये सिर्फ सपोर्ट के काम में ही आएगा, और तो बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगा, लाइक क्या ही कर लेगा टीयर 3 पे। तो देखते हैं इसको किस तरह से ये लोग बनाते हैं और कितना अच्छा इसको सपोर्ट वगैरह देते हैं, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। अभी हम बात कर लेते हैं साइलॉग के बारे में, तो ये देख रहे हो ना ये तलवार, यही तलवार था वो जो अभी उसके पास में था, तो ये है साइलॉग, और ये काफ़ी यूजफुल कैरेक्टर है। देखो ये इसके पास में ऑलरेडी 2 यूनिफॉर्म है, और इसका जो यूज है ना वो है स्पेशली एबीएल में ब्लास्ट म्यूटेंट सुपर हीरो वाले दिनों के लिए, ठीक है? मैं आपको दिखा दूँ ब्लास्ट म्यूटेंट सुपर हीरो वाले दिनों में इसका यूज है, तो इसीलिए ये लोग इसका यूनिफॉर्म दे रहे हैं, या फिर इसका यूनिफॉर्म ज़्यादा बिकने वाला है,
क्योंकि उसमें ना जो कैरेक्टर है वो सारे के सारे प्रीमियम है, पहले से अगर कोई कैरेक्टर है तो वो प्रीमियम है। लाइक साइल वो है, क्या नाम है, स्टॉर्म है, तो वो भी प्रीमियम है, और अभी ये आ रही है तो ये भी प्रीमियम है। और मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ ब्लास्ट किधर गया, अरे म्यूटेंट वाला ब्लास्ट, ये देखो ब्लास्ट सुपर हीरो म्यूटेंट, ठीक है। यहाँ पे तो कोई भी चल जाएगा, लाइक यहाँ पे प्रोफेसर एक्स चल जाएगा, केबल चल जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे तो कोई भी चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक और रिक्वायरमेंट है जो कि है म्यूटेंट सुपर हीरो ऐसा कुछ है, ये देखो सुपर हीरो म्यूटेंट फीमेल, हाँ ये वाला म्यूटेंट सुपर हीरो फीमेल, ठीक है। तो अभी दोनों दिन काम आ जाएगी, अपनी जो साइलॉक है ना वो दोनों दिन काम आ जाएगी। देखो इसमें भी आ जाएगी सुपर हीरो म्यूटेंट फीमेल, और इसमें भी आ जाएगी क्या नाम है ब्लास्ट सुपर हीरो म्यूटेंट में, दोनों में, क्योंकि ये ब्लास्ट टाइप की है, ठीक है। यहाँ पे देखो सुपर हीरो म्यूटेंट फीमेल किधर गई, ये देखो यहाँ पे है, ये ब्लास्ट टाइप की है और सुपर हीरो है, म्यूटेंट है, तो दोनों जगह काम आ जाएगी। और अभी यहाँ पे जो कैरेक्टर है हमारे पास, ये स्टॉर्म है जो कि प्रीमियम यूनिफॉर्म के साथ में आती है, और ऐसा कोई है नहीं भाई, ऐसा कोई अच्छा नहीं है, तगड़ा नहीं है जो अच्छा स्कोर कर दे। लाइक ये पोलरिस है, ये कर देती है, नहीं तो कोई कोई जीन ग्रे यूज करता है, ठीक है। अभी कुछ लोग इसको भी यूज करने लग गए हैं, मतलब ठीक है, इतना भी ज़्यादा काम नहीं करती है। हाँ ये वाली, ये होप समर को यूज कर रहे हैं लोग, ज़्यादा स्कोर करती है यहाँ पे। तो ये दोनों कैरेक्टर वांडो और साइलॉक आ रहे हैं स्पेशल यूनिफॉर्म के साथ में। आपका क्या कहना है इनको लेके, प्लीज़ कमेंट करके बताना, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।